इस वक्त में सीधे चलते हैं गृहमंत्री अमित शाह की रैली में, जहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। हाजोंग, बंगाली, दालू, जाहोल, बिहारी, बर्मन और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महान वॉरियर, ग्रेट वॉरियर ढाल जी के नाम से बना हुआ ये दालू क्षेत्र में आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं मेघालय के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। यहां पर कई सालों से दो परिवारों का राज रहा है, कई सालों तक मुकुल संगमा ने राज किया और कई सालों तक कोंडार संगमा के परिवार ने राज किया। मुझे बताओ भाई, आप लोगों का काम हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? आपके घर में नल से पीने का पानी पहुंचा है क्या? 24 घंटा बिजली आई है क्या? गांव के अंदर सड़क बनी है क्या? कुछ नहीं हुआ है तो ये दो परिवारों ने इतने सालों तक किया क्या? क्या किया? क्या किया? मैं बताता हूं, ये दोनों परिवारों ने भ्रष्टाचार कर मेघालय के गरीब लोगों का पैसा अपने घर में डालने का काम किया है। और इसलिए समय आ गया है कि दोनों परिवारों से मेघालय को मुक्ति दिलाने का मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। मित्रों, यहां से थोड़े ही दूर पर आसाम है, वहां 8 साल से भाजपा की सरकार चलती है। हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है। आप आसाम जाते होंगे तो मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है। आसाम के रोड, आसाम के हर घर में बिजली, आसाम की हर माता के लिए शौचालय, टॉयलेट, हर घर में मोदी जी का भेजा हुआ 5 किलो चावल, गरीबों को घर और हर बीमार के लिए 5 लाख तक की सुविधा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम आसाम में हुआ है। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं भेजते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है। मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है, मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन HT लाइन है, इसमें से बिजली जाती है। ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये HT लाइन जैसी है, सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना?
जरा जोर से बोले बदलना पड़ता है ना, तो आप भी एक जले हुए ट्रांसफॉर्मर जैसी मेघालय सरकार को बदल दीजिए और नया ट्रांसफॉर्मर कमल फूल का लगा दीजिए। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे मेघालय के डालू से, जहां पर वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित